और बूट स्पेस वगैरह देखो तो इसका बहुत बूट बड़ा है। स्पेस तो आप बोले बहुत ही शानदार है, मतलब कि बैठ के पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, आगे वाला भी और पीछे भी। तो हेलो भाई, मैं हूँ रमन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ किया की सेल्टोस। भाई आज हम इस गाड़ी के बारे में जानेंगे भाई क्या एवरेज देती है गाड़ी के ओनर से, कितने की पड़ी थी, ये कौन सा मॉडल है, बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है, जो भी मुझे नहीं पता अभी। तो ये है अपने भाई नवदीप भाई की, जो कि एडवोकेट है। तो चलो भाई उनके पास चलते हैं। ये है कार के ओनर, कैसे हो भाई? बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? सर आपका नाम? मेरा नाम है नवदीप चहल, एडवोकेट। अच्छा तो आप एडवोकेट हो? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का, टॉप मॉडल है, बेस मॉडल है? ये है भाई HTX है, टॉप से नीचे वाला है। तो आपने कब ली थी ये? मैंने ली थी भाई फरवरी 2020 में। फरवरी 2020 में? तो मतलब आपने पेट्रोल में है आप बता रहे जैसे, तो आपने डीजल में नहीं सोचा? पेट्रोल और डीजल के रेट आज के दिन बराबर होते जाने लग रहे हैं, फिर पेट्रोल की गाड़ी बढ़िया है ओवरऑल सर्विस वगैरह के हिसाब से भी और ठीक है, इसलिए। तो डीजल से कम आती है इसकी सर्विसिंग वगैरह? डीजल से तो कम ही होगी जी, लेकिन मतलब कि ये है कि भाई मेरा पर्सनली व्यू यही था कि भाई लेनी पेट्रोल की है, तो डीजल की तरफ मैं कभी गया भी नहीं पहले भी पेट्रोल। तो आपकी रनिंग वगैरह कहाँ रहती है, मतलब मैक्सिमम मेरा ज्यादा रहती है कम रहती है? ज्यादा रहती है मेरी, डेली का बरवाड़ा का अप डाउन है मेरा दिल्ली का। तो हाईवे रहता सारा? हाँ। तो हाईवे पे क्या एवरेज निकाल के देती है आपको? हाईवे पे ये 16-17 की एवरेज दे देती है जी, आप चाहे डिस्प्ले में भी देख लो, अभी 16.1 की आई हुई है एवरेज, तो ये 16.1 की है, अभी 16 की एवरेज है जी। यहाँ से सारा शहर क्रॉस करके जाना, बाजार अपना नागौरी गेट हो गया, बस स्टैंड के पास भी पूरा जाम रहता है, फिर आगे तो हाईवे आ जाता है, तो ये सारा मतलब कि एवरेज 16 की पड़ जाती है। तो ये आपने 2020 में ली थी, तो उस टाइम 2019 में तो आई थी ये नई, तो आपने ये नहीं सोचा कि थोड़ा मतलब रुक जाए, मतलब देख लेते गाड़ी कैसी है थोड़ा? किसी और ने भी ली थी तो उसने भी अच्छे रिव्यू दिए इसके, बोले बढ़िया है, और मतलब कि जो कंपैरिजन में इस गाड़ी के क्रेटा थी या और थी, तो मतलब कि इसमें फीचर वाइज और रेट वाइज ये उसके कंपैरिजन में ये अच्छी लगी, तो इसलिए ली इसको। उस टाइम कौन कौन से ऑप्शन थे, जैसे आपको कितने की पड़ी थी है? ये मेरे को 15 के आसपास की पड़ गई थी, जब एग्जैक्ट तो मेरे को मालूम नहीं कितनी की थी। तो 15 में कौन कौन से ऑप्शन थे? 15 में क्रेटा था ऑप्शन, और तो मतलब कि क्रेटा की उसमें जाने की सोच रहा था, लेकिन फीचर वाइज फिर ये ज्यादा बेस्ट लगी। हाँ ये थोड़ा इंटीरियर इसका प्रीमियम सा लगता है, इंटीरियर इसका प्रीमियर, तो ये सब सोच के कि भाई ठीक है ये, फिर किसी ने राय भी यही दी कि भाई बढ़िया गाड़ी है, तो इस करके ने यही मिली। तो इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले मेरे पास डिजायर थी। तो डिजायर थी, तो कंफर्ट कौन सी गाड़ी में अच्छा लगा? इसमें कंफर्ट बहुत बढ़िया है, इसमें पावर स्टेयरिंग भी है साथ में, और क्रूज कंट्रोल जो है वो बहुत बढ़िया है, हैंड रेस्ट, इससे मतलब कि ड्राइविंग और ज्यादा आसान हो जाती है, और तो फीचर आपको देखने ही लग रहे हो। हाँ ये बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है इसकी। सीट बहुत बढ़िया है। तो ये सीट कवर्स आफ्टर मार्केट वाले होंगे? नहीं ये आए थे फिटेड ही आए हैं। अच्छा हाँ, ऐसा कोई बाहर से कुछ भी नहीं लगवाया मैंने, सब पहले से ही है। तो आप बता रहे थे डिजायर है, वो डीजल में थी क्या पेट्रोल में? वो डीजल में थी। तो मतलब पहले डीजल चलाई या पेट्रोल चला रहे? हाँ। तो पावर में कुछ फर्क लगता है? नहीं मेरे को तो द बेस्ट यही लगी जी, पेट्रोल की बहुत बढ़िया गाड़ी लगी किया की, और मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं अफसोस नहीं है कि भाई, या ये शंका नहीं है कि भाई मैं क्रेटा लेता या कोई और गाड़ी लेता, बोले मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ इस गाड़ी से। तो अभी तक 2 साल हो गए हैं, तो आपने अभी तक ये कितनी चला दी गाड़ी 2 साल? मैंने चला दी है जी ये लगभग 35,000 किलोमीटर चल पड़ी है मेरी। 35,000 2 साल में, तो मतलब रनिंग ठीक ठाक है? हाँ। एसी भी इसका अच्छा है, कूलिंग इसकी जबरदस्त है, और ओवरऑल सारी चीजें जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है वो भी मतलब की शो। अच्छा इसी में शो हो जाता है टायर प्रेशर? तो मतलब की कई बार हम रूटीन में ध्यान नहीं देते और टायर का प्रेशर कम होता रहता है,
लेकिन इसमें पता लग जाता है, इंडिकेशन आ जाती है कि हाँ भाई आपके टायर में कौन से वाले टायर में प्रेशर कम है। तो भाई जैसे कि ये 1497 सीसी का इंजन है इसमें, तो मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट है, एसी भी होने, तो आवाज तो अंदर तो बिल्कुल ही नहीं आती है, मतलब पता ही नहीं चल रहा अंदर, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी आपको शोर का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। 2 साल हो गए गाड़ी को लगभग, लेकिन अब भी आप जिस तरह गाड़ी स्टार्ट है आप देख सकते हो, तो शोर नाम की कोई चीज नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो 2 साल में आपको जैसे 15 लाख की गाड़ी ली थी आपने, तो कोई नेगेटिव लगा हो अभी तक? मेरे को कोई नेगेटिव नहीं लगा, बल्कि बढ़िया ही लगी है मेरे को। मैंने कईयों को रिकमेंड की, उन्होंने भी ली, उनके भी रिव्यू बढ़िया ही रही है कि भाई हाँ भाई बोले की बहुत बढ़िया दिलवा दीजिए। तो जो आपने बे मॉडल ले रखा बीच वाला HTX, तो ये मतलब वैल्यू फॉर मनी माना जाता है? वैल्यू फॉर मनी है जी, बिल्कुल है। आप इसके अलावा दूसरी गाड़ियों में इसी रेंज में जाते हो तो जो फीचर जो क्वालिटी इस गाड़ी की मिल रही है उसकी आप किसी और में आपको नहीं मिलेगी जी। तो आप पास जो डिजायर थी उसमें एसी ऑटोमेटिक था या मैनुअल था? उसमें मैनुअल था भाई। तो इसमें जैसे ये ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो ये इफेक्टिव लगता है आपको? बहुत इफेक्टिव है ये, तो इससे फैन की स्पीड अपने आप ही डिक्रीज और इंक्रीज हो जाती है, इससे मतलब कि बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है, फैन की तरफ मतलब कि जाना ही नहीं पड़ता, तो बहुत इफेक्टिव है। एक पूरी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो बूट स्पेस वगैरह कैसा लगता है इसका? बहुत बढ़िया है जी, अच्छा है बूट स्पेस, इसमें कोई दो राय नहीं। पीछे मैंने देखा था एयर प्योरीफायर दे रखा, ये सही लगता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी, इससे मतलब कि थोड़ा एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया हो जाता है, खुशबू हो जाती है, मतलब फ्रेशनर है जैसे इसमें इनबिल्ट। हाँ, तो भाई गाड़ी के जैसे 2 साल हो गए, तो स्पीकर वगैरह कैसे लगते हैं? स्पीकर बहुत बढ़िया है जी, ठीक है, ओके है, मतलब बाहर से कुछ देखने की जरूरत नहीं अपने को, मतलब इंस्टॉल वगैरह? आपने गाड़ी ले ली तो आपको बाहर से कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप मैं ये बस फुटमैट आपको रिकमेंड करूंगा, भाई 3D के ही लें भाई गाड़ी के हिसाब से, क्यों डस्ट वगैरह नीचे नहीं जाएगी। ये भी प्रीमियम से लगते हैं थोड़े, देखते बिल्कुल, हैं तो बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें डस्ट नहीं जाएगी, एक ट्रेसी चलती है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़िया है ये, इसमें 2 लेयर हो जाती हैं तो डस्ट नीचे जा ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो चलो भाई हम इस वीडियो को एंड करते हैं, आने के लिए धन्यवाद। ठीक है जी भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।